तो आज हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्पाइस मनी से किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। तो हम यहां पे स्पाइस मनी के पोर्टल में आ चुके हैं और पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहां पे एक एपीएस का जो सर्विस है इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा एपीएस का सर्विस वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर में ये जो सारी सर्विस होती है, पैसा निकालना, जमा करना, ट्रांसफ़र करना, यहीं पे देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर सर्विस, तो हमें मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मिनी स्टेटमेंट चेक कर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट योर डिवाइस टाइप, तो हम यहाँ पे अपना जो मेरा मार्फो है इस मार्फो को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो कि लिखा हुआ है, अगर आप कस्टमर का सही मोबाइल नंबर डालेंगे तो कस्टमर व्हाट्सएप से खुद अपनी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट ले सकता है। तो हम यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, ये हमने इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा आधार कार्ड ही नंबर डालेंगे। तो ये हमने आधार कार्ड का नंबर इंटर किया, ये हमने इंटर कर लिया और उसके बाद ये सारी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप यहाँ से बैंक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, मैं यहाँ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्कैन फिंगरप्रिंट एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो भी डिवाइस है फिंगरप्रिंट का उसमें लाइट ऑन होगी और वहाँ पे कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन करवाएंगे और स्कैन करते हैं यहाँ पे हमें मिनी स्टेटमेंट निकल के आ जाता है। तो आप यहाँ पे हमारा जो मिनी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं और देखिए मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसमें लास्ट के 9 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसमें बस 9 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी ट्रांजेक्शन देखना तो मैं आपको नीचे वीडियो में दिखा दूंगा कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसका एम पासबुक एक डाउनलोड करना होता है और उसमें आप बहुत सारे जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर चुके हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप इसको चाहते हैं डाउनलोड करना, इस जो पूरा स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करना, तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो चुका। और अगर आप चाहते हैं कि इसको सिंपल सा प्रिंट कर देना तो आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आप यहां से इसे प्रिंट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट ये जो भी है, और आपका प्रिंटर यहां से सिलेक्ट करना है और आप सिंपल सा इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने यहां पे सीखा कि किसी भी बैंक का स्पाइस मनी के अंदर में आप उसका मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।